जनसंपर्क के माध्यम से निकल रहा लोगों के समस्याओं का हल। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में जनसंपर्क का बहुत महत्व है, लेकिन केवल संपर्क प्रस्थापित न करते हुए लोगों का काम करके उन्हें राहत देने का प्रयास करना बहुत कम दिखाई देता है। जनसंपर्क के सही मायने को समझते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी लगातार लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का काम करते आ रहे हैं। अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से माननीय गडकरी जी की यह पहल 2 दशक से भी अधिक समय से चल रही है। न केवल नागपुर बल्कि पूरा विदर्भ इस पहल का लाभार्थी है। महाराष्ट्र में युति सरकार के समय से केवल नागपुर विदर्भ में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में माननीय गडकरी जी द्वारा की गई यह जनसंपर्क की पहल लोकप्रिय है। इसी वजह से गडकरी जी के जनसंपर्क कार्यक्रमों में हमेशा भीड़ लगी रहती है। महीने में लगभग 2 बार होने वाले इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। विभिन्न योजनाओं में रुके हुए अनुदान, नौकरियों, कृषि प्रौद्योगिकी में नवीन प्रयोगों की जानकारी जैसे कई मुद्दों और उनके लिए निवेदन लोग प्रस्तुत करते हैं। माननीय गडकरी जी पर्याप्त समय देकर उन सभी से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और जहां भी आवश्यक लगे उनका मार्गदर्शन करते हैं। नई सड़कों की मांग वाली याचिकाएं महाराष्ट्र के कोने कोने से लोगों द्वारा लाई जाती हैं। माननीय गडकरी जी इन सभी मांगों और समस्याओं पर ध्यान देते हैं और जहां आवश्यक हो वहां अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश भी देते हैं। जनसंपर्क कार्यक्रम में न केवल किसी एक विषय के लोग बल्कि खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक विषयों के लोग भी भीड़ लगाते हैं। खास बात यह है कि इस गतिविधि में प्राप्त प्रत्येक निवेदन को ध्यान में रखा जाता है। कई बार इस गतिविधि के माध्यम से दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध कराना, कर्ण बधिर लोगों को मशीनें देना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी यहाँ किए जाते हैं। पिछले 2 दशकों से अधिक काल से माननीय गडकरी जी का नागपुर विदर्भ की जनता से हमेशा जनसंपर्क बना रहा है और आगे भी रहेगा।